हेलो एवरीवन, दिस इज मी शरण यादव और आज हम बात करने वाले हैं श्री राम आईएएस इकोनॉमी बुक के बारे में। तो उसमें जो पहला चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हाउ मेनी ऑफ यू लाइव है अभी वो आप बता दीजिएगा, मैं चैट भी ओपन करके रखूंगा, जो जो भी आपका डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। श्री राम आईएएस इकोनॉमी आज कवर कर रहे हैं। हाँ चलिए चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है, अगर आप अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं और मेरे लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ये फिनिक्स आईएएस पंडा का यूट्यूब चैनल है मेरा, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि मेरे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको ये बेल आइकन जरूर दबाना है, इसको प्रेस करने से क्या होगा, आपको मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मैं बहुत सारी क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ इस नए चैनल पर, और इस चैनल का नाम आपको अच्छे से सर्च करना है, फिनिक्स आईएएस फंडा। ठीक है, यहाँ पर आप डालेंगे तो आपको ये चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, और यहाँ पर हम आने वाली जितने भी क्लासेस हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज माई इंट्रोडक्शन, मैं शरण यादव, एम टेक इन डिजिटल कम्युनिकेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिक इंट्रोडक्शन है मेरा, और एम टेक इन डिजिटल कम्युनिकेशन, पीएचडी इन साइबर सिक्योरिटी, और ऑफलाइन क्लासेस में मैंने 10,000 से ज़्यादा छात्रों को पढ़ाया है, गाइड किया है सिविल सेवाओं के लिए। 10 सालों से ज़्यादा का अनुभव है पढ़ाने का सिविल सेवाओं के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स जैसे विषय में पढ़ाता हूँ, और लास्ट ईयर मेरे द्वारा एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुई थी, उसकी 44th रैंक आई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप इस क्लास के पीडीएफ चाहते हैं, आपको इस क्लास के पीडीएफ मिले तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है शरण यादव पीडीएफ, इस चैनल से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल यू विल गेट ऑल नोट्स एंड क्लास लिंक्स। ठीक है, तो ये आप मेरा चैनल है, इसको आप जुड़ इससे जुड़िए, आपको क्लासेस के लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्लियर गाइस, तो ये हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप की। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लर्निंग ऐप को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर लीडर बोर्ड, पोल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप जब क्विज वगैरह अटेंड करते हो वहाँ पर पोल्स की सुविधा मिलती है, लीडर बोर्ड की सुविधा मिलती है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, यहाँ पर आप अपनी परेशानी एजुकेटर के साथ शेयर कर सकते हो। लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, आप बात कर सकते हो एजुकेटर के साथ और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हो कि भैया क्या करना चाहिए सर, हम कैसे तैयारी करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो आप सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप एटलीस्ट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। दिल्ली में रह करके आपको क्या होगा, दिल्ली में रह करके आप 5 से 6 लाख रुपये 1 साल का खर्च कर देते हैं तैयारी के दौरान। अनअकैडमी वही चीज़ आपको देता है केवल और केवल 40,000 रुपये में, 44,000 रुपये है, लेकिन आप जो मेरा कोड यूज़ करेंगे, मेरा कोड है SHAI, इस कोड के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। इज दैट क्लियर गाइस, तो ये है इसका फायदा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंशिका पांडे, निक्की शर्मा, वेलकम आप सभी का। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा होगा। अगली जो क्लास होगी मेरी, जिस बुक को मैं जिसकी समरी लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया बुक है, इस बुक को आप पढ़ें। इस बुक का मैं इसकी समरी बनाने वाला हूँ, जो मेरे चैनल पर बनाऊंगा। मैं किस चैनल पर बनाऊंगा, ये मेरा वाला चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ये मेरा वाला चैनल है, इस पर मैं इस बुक का समरी दूंगा आपको, है ना। ईपीएफओ का एग्जाम भी है यूपीएससी के साथ, तो जिन्हें ईपीएफओ का फॉर्म भरा है उनके लिए भी मैं यहाँ पर एक सेशन लेकर के आ रहा हूँ। तो इस बुक को मैं डिस्कस करूंगा, इसकी समरी आपसे डिस्कस करूंगा, इसमें मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला टॉपिक कवर कराऊंगा, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कंप्यूटर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ईपीएफओ वाला एक स्पेशल मैं सेशन लेकर के आऊंगा। इंजीनियर अफरोज अख्तर की ये किताब है, काफ़ी बेहतरीन किताब है, इसको आप पढ़िएगा, और इसकी ही हम बुक समरी बनाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि मेरे चैनल पर होगी जिसका नाम है फिनिक्स आईएएस फंडा यूट्यूब चैनल। वहां पर आप आइएगा, मैं इस बुक की समरी आपसे डिस्कस करूंगा। आज की क्लास का एजेंडा क्या है, आज की क्लास का एजेंडा ये है कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है श्री राम आईएएस इकोनॉमी में, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उन पर हम डिस्कस करेंगे, और इकोनॉमी में जो मिथ्स होते हैं, जो इकोनॉमी में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, उनको हम इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन इजी मैनर। ठीक है, तो वो होगा डिमांड क्या है एग्जामिनेशन की, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, कौन सा एरिया हमें फोकस करना चाहिए वो हम फोकस करेंगे, और कहाँ हमें सावधानी बरतनी चाहिए, कहाँ हमें बी केयरफुल होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। सभी को बात समझ में आ रही मेरी? ओके, तो ये हमारा डिस्कशन का मुद्दा, इन सब चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। हाँ चलिए,
तो हम श्रीराम आईएएस इकोनॉमी का जो चैप्टर नंबर 1 है वहां से हम शुरुआत करते हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 से आप ये समझिए कि चैप्टर नंबर 1 डील करता है इकोनॉमी की डेफिनेशन से, ठीक है। इकोनॉमी की डेफिनेशन को अगर मैं समझाऊं, अपने अपने शब्दों में समझाऊं, किताब में जो दिया है जो दिया है, मैं अपने सब शब्दों में अगर समझाने की कोशिश करूं, तो एक ऐसा सिस्टम होता है जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स को फुलफिल करता है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक नीड्स क्या है डेली लाइफ, रोटी कपड़ा मकान शेल्टर होम इंश्योरेंस बैंकिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये आपकी बेसिक नीड्स है। तो एक सिस्टम है जो आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहा है, उसी को इकोनॉमी कहते हैं। सबसे सिंपल सबसे अच्छी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब हम बुक वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो जो भी सिस्टम जो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट जिसमें हो रहा है निरंतर तरीके से, वो सिस्टम इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। ये उनकी टेक्निकल भाषा हो गई। तो इकोनॉमी में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की जाती है, इंस्टीट्यूट की स्टडी की जाती है, कंट्री की स्टडी की जाती है, उनके बीच इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया जाता है, एज अ सोसाइटी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसकी स्टडी की जाती है, और रॉ मटेरियल के माध्यम से, हाँ जो रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है उस रॉ मटेरियल को उसमें वैल्यू एडिशन करने की प्रोसेस को समझा जाता है कि कैसे हम किसी चीज में वैल्यू एडिशन करके उससे मैक्सिमम आउटपुट मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकें। तो ये होता है इकोनॉमी के अंदर चीजों को समझने का एक तरीका, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है, एक व्यक्तिगत स्तर पर इंडिविजुअल लेवल पर इंडिविजुअल यूनिट को हम देखते हैं, जिसमें हाउस होल्ड आ जाता है, आपका खुद का बिजनेस आ जाता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत सारे इसमें काम करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर काम करते हैं। तो छोटे स्तर पर जब हम इकोनॉमी को देखते हैं तो माइक्रो इकोनॉमी कहलाती है, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। तो आपका खुद का बिजनेस है, आपके खुद का परिवार है, इस लेवल पर जाकर के हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। मैक्रो में क्या होता है, पूरी पूरी इकोनॉमी को एक बड़े स्तर पर एक बड़े लेवल पर समझने का प्रयास किया जाता है, जिसमें कंट्री नेशन फर्म बिग इंडस्ट्रीज मार्केट्स ये सारी चीजें आती हैं। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जो आपकी श्रीराम आईएएस इकोनॉमी में दिया हुआ है, मीजो इकोनॉमिक्स। मीजो इकोनॉमिक्स ये समझने का बहुत जरूरी है, इसको समझिए बहुत अच्छे से। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मीजो इकोनॉमिक्स एक नियोलॉजिज्म है, जिसमें हम क्या देखते हैं, हम ना माइक्रो को देखते हैं ना मैक्रो को देखते हैं, हम उन फैक्टर्स को देखते हैं जो इन दोनों को प्रभावित करते हैं। वी स्टडी दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस बोथ ऑफ देम, ठीक है, जो दोनों को ही प्रभावित करता है उनको हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी में जैसे बाइंग और सेलिंग कैसे हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई कैसे इम्पैक्ट कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, यानी कि माइक्रो इकोनॉमी कैसे मैक्रो इकोनॉमी को इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, जो माइक्रो इकोनॉमी के जो फैक्टर्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमी को इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, वो मीजो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, उसकी स्टडी इसमें की जाती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका, इसमें स्टडी किसकी होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स की, इंडिविजुअल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिससे पूरी पूरी इकोनॉमी को, हाँ, थैंक यू एवरीवन। तो फैमिलीज कॉर्पोरेट मार्केट, हम पूरी इकोनॉमी को एक कंबाइंड फॉर्मेट में देखते हैं, हम उसको ना माइक्रो में देखते हैं ना मैक्रो में देखते हैं, हम एज अ होल एक सिस्टम के तौर पर देखते हैं। उसमें माइक्रो लेवल के पैरामीटर्स भी स्टडी किए जाएंगे और मैक्रो लेवल के भी पैरामीटर स्टडी किए जाएंगे। तो लिंकेज, इट इज द लिंकेज बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। मीजो क्या है, मैक्रो और माइक्रो के बीच का लिंकेज है, क्लियर गाइस, ये लिंकेज है मीजो, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ये बहुत, हाँ हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हेलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये क्या करता है, मीजो क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। ये इंडिविजुअल तरीके से स्टडी नहीं करता, ये दोनों को लेकर के चलता है, ठीक है। अब मैं बताना चाहता था कि इकोनॉमी में जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो, इकोनॉमी को करंट के साथ लिंक क्यों करना जरूरी। देखो श्रीराम आईएएस की बुक आप पढ़ रहे हो, बट मैं आपसे एक चीज मैं बता दूं, श्रीराम आईएएस की बुक आपको 25% बेनिफिट देगी, 75% आपको कंटेंट करंट अफेयर से कवर करना पड़ेगा, 75% कंटेंट आपको करंट अफेयर से करना पड़ेगा, और इकोनॉमिक इश्यूज के साथ कनेक्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक इश्यूज के साथ आपको चीजों को देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स एक्चुअली होता क्या है कि इकोनॉमी में पांच फैक्टर्स होते हैं, पांच एलिमेंट्स होते हैं। दुनिया की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप समझने की कोशिश करो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो प्रोडक्शन, मतलब कोई, मतलब आपका जो फार्मर सुसाइड है, फार्मर प्रोटेस्ट है,
एनपीए की प्रॉब्लम है, जीएसटी की प्रॉब्लम है, डीमोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम है ना, एक्सचेंज की प्रॉब्लम है, कोई भी इकोनॉमिक इशू आप ले लो, उसको समझने के लिए पांच एलिमेंट्स काम आते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ऑल दीज फाइव एलिमेंट्स, इन फाइव एलिमेंट्स पर ही इकोनॉमी टिकी हुई है। दुनिया की कोई भी इकोनॉमी आप समझना चाहते हो, प्रोडक्शन देख लो, वहां का कंजप्शन देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट कैसा है, और इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति है। ये पांच चीजें आप अगर किसी मुद्दे में, किसी इश्यू में समझ गए, तो आपने उस मुद्दे को समझ लिया। बात समझ में आ गई? तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट। अगर मैं जीएसटी समझाने की कोशिश करूँ इस फैक्टर के माध्यम से, तो जीएसटी क्यों लाया गया था? कि भैया टैक्स कम लगेगा तो क्या हो जाएगा, टैक्स कम लगेगा लोगों को तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जॉब्स बढ़ेंगे, जॉब्स बढ़ेंगे तो लोगों को सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो वो मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो दोबारा डिमांड क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। तो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में देखा कि प्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वो जीएसटी में इंपॉर्टेंट था। प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है? जब टैक्स कम हो रहा है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जॉब्स मिल रही है लोगों को, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा। हाँ, हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन, तो वो सारी चीजें हैं। तो आप समझ गए एनपी की प्रॉब्लम क्यों है इंडिया में? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हम लेकर के आते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इन केस अगर वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट, जो कि एनपीए, जो हमने बैंक के लोन के माध्यम से लिया था, वो फंस जाता है। इससे आने वाली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी उसके लिए हम, है ना, हाँ, तो एनपीए की समस्या बढ़ गई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हैं। तो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो अब मैं डीमोनेटाइजेशन की बात करूं, तो प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। तो डीमोनेटाइजेशन जब आया था, मोदी जी ने जब नोटबंदी की थी, तो उसने किसको इम्पैक्ट किया था? उसने एक्सचेंज को इम्पैक्ट किया था, एक्सचेंज रेट को प्रभावित किया था, एक्सचेंज रेट को प्रभावित किया, लेन देन। आप इस पेन को खरीदोगे तो कैसे खरीदोगे? पैसे देके खरीदोगे। अब पैसे को ही गवर्नमेंट ने इलीगल घोषित कर दिया, तो आप इस प्रोडक्शन के जो जिसने जिस पेन को प्रोड्यूस किया वो सेल नहीं कर पाएगा, और जिसके पास जो करेंसी है, जो पुरानी करेंसी, वो उसके माध्यम से खरीद नहीं पाएगा। तो डीमोनेटाइजेशन ने एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट किया, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। डीमोनेटाइजेशन को समझने में भी आपको ये फाइव एलिमेंट काम आएंगे, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। तो यहां से आप इस चीज को समझिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होती है, तो जैसे आप जीडीपी की ग्रोथ की बात करें, एक बहुत अच्छा पैरामीटर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एनी बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा क्या, कि जीडीपी अगर 1% घटती है, जीडीपी अगर 1% घटती है, अगर मान लीजिए -1% जीडीपी होती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? उसका दो जगह इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सरकार को 2 लाख करोड़ का नुकसान होता है। सरकार को कितना नुकसान होता है? 2 लाख करोड़ का नुकसान होता है 1% जीडीपी घटने से, और कम से कम 1.4 लाख, 1.4 लाख नौजवान बेरोजगार हो जाते हैं। इतना रेवेन्यू लॉस होता है गवर्नमेंट को, और इतने लोग, 1.4 लाख लोग की जॉब चली जाती है। अब ये नहीं कहना कि भैया जीडीपी घटने से क्या होता है, जीडीपी घटने से बहुत कुछ होता है, ठीक है, तो ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करता है। जीडीपी मतलब प्रोडक्शन घटना। अगर आपके देश में प्रोडक्शन घटेगा तो किसी ना किसी को जॉब से निकाला जाएगा, और सरकार का प्रॉफिट भी घट जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट, ये कैसे इंपैक्ट कर रहा है जीडीपी ग्रोथ को और बहुत सारी इकोनॉमिक इश्यूज को। तो ये पांच एलिमेंट्स आपको रट लेना है जब आप आंसर राइटिंग करें मेंस में, तो इन पांच एलिमेंट्स को अपनी बुद्धि में बिठा के रखिए, इनके आधार पर ही आपको आंसर राइटिंग करनी है इकोनॉमी में मेंस आंसर। इज दैट क्लियर गाइस? ये सारी चीजें हैं, सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पर? क्लियर। चलिए अब पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है, आपकी शंकर सॉरी श्रीराम आयस की बुक में पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की गई है। जो जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसमें प्रोडक्शन का अध्ययन किया जाता है, प्रोडक्शन की स्टडी की जाती है, ट्रेड और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको किस नजरिए से देखा जाता है, एज पर दी लॉ, कानून के हिसाब से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, दैट मीन्स वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ठीक है, हाँ, पॉलिटिकल इकोनॉमी है। बात समझ में आई? अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लॉ,
अगर किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लागू हो रहे हैं दैट मीन्स दैट इकोनॉमी इज पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को फोकस किया जाता है कि समाज के हर वर्ग को लाभ मिले, सोसाइटी के हर सेक्टर में इसका बेनिफिट पहुंचे, इन सब चीजों पर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो एक मॉरल फिलोसफी है, बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी, 18 सेंचुरीज में इसके बारे में बात हुई, पॉलिटिकल मीनिंग इसका निकाला गया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। पॉलिटिकल इकोनॉमी को क्या कहा गया? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यहाँ से ये टर्म आया है, ग्रीक वर्ड से ये टर्म आया है, तो वो सिग्निफाई करता है कि इकोनॉमी हाउस होल्ड मैनेजमेंट से डील करता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इकोनॉमी में से पॉलिटिक्स हट गया और आज हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमी पढ़ते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी इज अ वेरी ओल्ड सब्जेक्ट, अभी का नहीं है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है, एकेडमिक डिसिप्लिन है, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, प्लूटो अरिस्टोटल के जमाने से चला आ रहा है और नेचुरल लॉ पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है पॉलिटिकल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट? नेचुरल लॉ, इस चीज को मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, यहाँ पर मैं बता दूँ, ये मेरा चैनल है फिनिक्स आईएएस फंडा, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरी बहुत सारी क्लासेस लगने वाली हैं इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आई विल टीच ईच एंड एवरी टॉपिक रिलेटेड टू ईपीएफओ एज वेल एज श्री राम आयस इकोनॉमी, वहां पर बहुत सारे सेशंस मैं लूंगा। ठीक है गाइस, ये हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इकोनॉमी में काम करती है वो है कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण जिसे हम कहते हैं हिंदी में, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव जीत कर आए, उसके पहले उन्होंने एक वादा किया था जनता से। क्या वादा किया था उन्होंने? ये वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, वी विल प्रोवाइड 2 करोड़ जॉब्स टू यूथ ऑफ द कंट्री। अब वो ऐसा कैसे कर पाएंगे? वो जब उन्होंने मैनिफेस्टो में ये जब घोषणा की, तो उन्होंने उनके दिमाग में क्या था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन ये है कि फ्रेंड्स, उनको पता था कि हम कैपिटल फॉर्मेशन कर लेंगे, उनको पता था कि वो क्या कर लेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन कर लेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन होता कैसे? देखिए फ्रेंड्स, 3 तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन होता है, सेविंग्स, सेविंग्स से होता है, दूसरा होता है सेविंग्स पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा होता है आपका इन्वेस्टमेंट, 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 या आप लोन ले लो। ठीक है, तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी नए नए चुन करके आए, तो उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास कैपिटल नहीं थी, क्योंकि उनके पास पुरानी सरकारों ने उनके पास कुछ छोड़ा नहीं, उनके पास कोई पूंजी नहीं थी कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकें, वो देश में उद्योग लगा सकें। सेविंग्स पर, अगर सेविंग्स नहीं है तो सेविंग्स पर इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? तो इन दो फ्रंट पर हम फेल हो चुके थे, ना हमारे पास कोई सेविंग्स थी, ना हमारे पास उन सेविंग्स पर इंटरेस्ट मिला था। हम कैसे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? तो उसका एक रास्ता क्या निकला? प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टमेंट को फोकस किया, सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे दोस्तों के पास तो पैसा है, वो हमारे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, हमारे फ्रेंड्स हमारे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। कौन इन्वेस्ट करेगा? अमेरिका इन्वेस्ट करेगा भारत में, चाइना इन्वेस्ट करेगा। तो उन्होंने लॉन्च किया मेक इन इंडिया, जस्ट बिकॉज कि वो चाहते थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दें, जो कि हमने अपने चुनाव में वादा किया था। और हमने हमें कैपिटल फॉर्मेशन करना था, तो हमने क्या किया, लोन लिया फॉरेन कंट्रीज से और एफडीआई, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाए। हमारा कुछ खर्च नहीं हुआ, हमें क्या मिल गया, इन्वेस्टमेंट मिल गया, जिससे हमारा क्या हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन। तो दिस इज हाउ प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटेड एवरीथिंग, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कैपिटल फॉर्मेशन किया। जब हमारे पास सेविंग्स नहीं थी, जब हमारे पास सेविंग्स पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, तो हमने पैसा कहाँ से जनरेट किया? फॉरेन कैपिटल, एफडीआई, इनसे जनरेट किया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, स्किल इंडिया कार्यक्रम, स्किल इंडिया चलाया इसलिए था कि जब मेक इन इंडिया आएगा, तो वहां जो लोग सीख करके आ रहे हैं स्किल इंडिया के अंदर, वो वहां पर मेक इन इंडिया में हमारी हेल्प करेंगे। तो यहां से ये चीज आगे बढ़ी। फिर एक और टर्म आता है जो आप पढ़ते हैं श्रीराम आईएएस की कॉर में, लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, या लिबरल इकोनॉमी और न्यू लिबरल इकोनॉमी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आपको समझना चाहिए। न्यू लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो किस पर बेस्ड है, लिबर्टी एंड फ्रीडम। ये क्या है लिबरलिज्म का मतलब क्या है? ये इकोनॉमी में लिबरलिज्म क्या शो करता है? ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी शो करता है, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिबर्टी और फ्रीडम पर आधारित होगी।
तो एलपीजी जब हम लाए थे 1991 में, एलपीजी 1991 में, ठीक है, तो उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो वो लिबरलाइजेशन किससे फोकस था, ये था लिबरलिज्म, लिबर्टी, फ्री मार्केट को फ्री छोड़ना, मार्केट को अपने हिसाब से काम करने देना, ये इक्वालिटी प्रमोट करता है। इक्वालिटी मतलब हेल्दी कॉम्पिटिशन, आप अच्छा करो, आप अच्छा बेटर परफॉर्म करो, आप बेनिफिट उठा सकते हो इकोनॉमी में, आपको इक्वालिटी मिलेगी, कोई भी मार्केट प्लेयर आपसे आगे नहीं निकल पाएगा इलीगल तरीके से, इक्वालिटी मिलेगी, ये होता है लिबरलिज्म, ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री एज वेल एज फॉरेन इंडस्ट्रीज दोनों ग्रो करेंगे। इसमें लिबरलिज्म के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब हम अगर बात करें न्यू लिबरलिज्म, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल दैट प्लेस अ हाई रिगार्ड ऑन फ्री मार्केट, ये कहता है कि मार्केट को फ्री छोड़ो, इंडस्ट्रीज को फ्री नहीं छोड़ना है, मार्केट को फ्री छोड़ो, सरकारी दखल नहीं होना चाहिए, फ्री मार्केट, ये कैपिटलिज्म से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। फ्री मार्केट होगा तो मार्केट अपने डिसीजंस खुद ले लेगा, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया कि आप वेल्थ कंसंट्रेशन नहीं करोगे, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये सारी चीजें, तो रिसोर्सेज जो होंगे वो प्रॉपरली मैनेज होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब जो अच्छा करेगा उसके पास पैसा जाएगा, जो परफॉर्म करेगा वो कमाएगा, ऐसा नहीं है कि ये आदमी अमीर हो रहा है तो इसकी अमीरी हम रोक दें, इसके पैसे हम छीन लें, ऐसा नहीं होगा। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अलाउ करते हैं, मेरा जो पुराना स्टेटमेंट था उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ क्या होती है, सब में एक समान नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती, ये इसकी खासियत है। और इसमें वेलफेयर स्टेट की बात नहीं होती, हम किसी के कल्याण की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं, हम अपने प्रॉफिट की बात करते हैं, इसको कहते हैं न्यू लिबरलिज्म, इज दैट क्लियर गाइस। यहां से इसकी शुरुआत होती है। अब किन्सियन इकोनॉमी की बात करते हैं, ये भी आपके श्रीराम आयस इकोनॉमी की बुक में इसको भी काफी फोकस किया है कि ये क्या होता है, इसको समझाइए आप, ठीक है गाइस। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, किन्सियन इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को देखते हैं, इसमें हम स्पेंडिंग पर बात करते हैं, इसमें इसमें फोकस किसका, किस पर होता है सबसे ज्यादा, टोटल स्पेंडिंग। किन्स जो इकोनॉमिस्ट थे वो क्या समझाना चाह रहे थे, वो समझाना चाह रहे थे कि टोटल स्पेंडिंग का इकोनॉमी के अंदर टोटल आउटपुट पर, एम्प्लॉयमेंट पर, इन्फ्लेशन पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, उसका फर्क, उसकी जो इफेक्ट है उसकी स्टडी उन्होंने बताई थी, ठीक है। खर्चे जो सरकार कर रही है, जो सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो सरकार डैम्स बना रही है, रोड बना रही है, उसका असर महंगाई पर, एम्प्लॉयमेंट पर क्या पड़ेगा, टोटल आउटपुट पर क्या पड़ेगा, इसका इसकी जो स्टडी होती है वो किन्सियन इकोनॉमिक्स में आती है, क्लियर गाइस। तो बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, 1930s में उन्होंने अपने ये कॉन्सेप्ट दिया, उस समय द ग्रेट डिप्रेशन था, महामंदी चल रही थी, है ना, द ग्रेट डिप्रेशन, कैपिटलिस्ट मॉडल फेल हो चुका था, लोग सोशलिज्म की बात कर रहे थे, तो वो द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हम जो भी खर्च कर रहे हैं उसका असर टोटल जॉब क्रिएशन में, टोटल इन्फ्लेशन पर क्या फर्क पड़ता है, आउटपुट क्या मिलने वाला है, इस पर हम उन्होंने बात की, ठीक है। तो किन्स इकोनॉमी जो थी उन्होंने डिमांड साइड थ्योरी दी, उन्होंने किस पर बात की, डिमांड साइड थ्योरी दी कि डिमांड कैसी होगी, डिमांड के हिसाब से इकोनॉमी को कैसे मूव किया जाएगा, उस पर उन्होंने फोकस किया, शॉर्ट रन में डिमांड कैसे क्रिएट होती है उन पर उन्होंने फोकस किया। किन्स थ्योरी वॉज फर्स्ट सेपरेट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड मार्केट। किन्स वो व्यक्ति थे जिन्होंने मार्केट को और इकोनॉमिक बिहेवियर को अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश की, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें, अब उनके सबसे बड़ी खास बात क्या थी, उनकी इकोनॉमी में, उनके इस थ्योरी की सबसे खास बात क्या थी, वो कहते थे गवर्नमेंट की पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए, एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो डिमांड साइड जो इकोनॉमी फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, डिमांड साइड असर करें और इससे रिसेशन ना आए। यानी कि अभी जैसे सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया, 20 लाख करोड़ का पैकेज क्यों डिक्लेयर किया, जब ये पैसा आएगा मार्केट में तो क्या क्रिएट होगी, डिमांड क्या क्रिएट होगी, 20 लाख करोड़ के पैकेज का क्या यूज हुआ, डिमांड क्रिएट करना, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा वो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो टोटल डिमांड क्रिएट होगी, टोटल डिमांड क्रिएट होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रिसेशन कभी आएगा नहीं। तो ये किन्स ऐसे समझा रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो डिमांड साइड, डिमांड को आगे बढ़ाने में मदद करे,
क्या करे, डिमांड को आगे बढ़ाने में मदद करे। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया वो किस थ्योरी के अंदर आता है? केन्सियन इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, केन्सियन थ्योरी के अंदर आता है, केन्सियन डिमांड साइड थ्योरी के अंदर आता है। क्लियर गाइस, इज दैट क्लियर? तो केन्स ने जब ये थ्योरी डेवलप की थी उस समय द ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था एंड वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ प्रीवियस इकोनॉमिक्स थ्योरी विच ही रिफर्ड टू अ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। वो क्लासिकल इकोनॉमी चल रही थी उसके पहले, उन्होंने नई थ्योरी दी। एक्टिविस्ट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर द प्राइमरी टूल टू रिकमेंड बाय केन्सियन इकोनॉमिस्ट टू मैनेज इकोनॉमी एंड फाइट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने के लिए उन्होंने इन सब चीजों पर फोकस किया। क्लियर गाइस? हाँ, आवाज आ रही है सभी को? हाँ, इधर क्लियर? तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमी की। सोशलिस्ट आपको पता है, जब इकोनॉमिक प्रोसेस में सरकार इन्वॉल्व हो जाए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, सारी एक्टिविटी कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। दैट मीन्स द कंट्रोल ऑन इकोनॉमी टोटली फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। ठीक है, तो उसको हम सोशलिस्ट कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का? टू प्रोवाइड वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, वेलफेयर। ठीक है, प्राइमरी गोल क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का? जनता का कल्याण है। ओनरशिप किसके पास पास होती है? सरकार के पास होती है। ठीक है, और प्रॉफिट कमाना उसका प्राइमरी गोल नहीं होता। हाँ, प्रॉफिट कमाना है ये पता है उसको, लेकिन प्राइमरी गोल क्या है? वेलफेयर, और उसके बाद प्रॉफिट। जैसे रेलवे है हमारे देश में, रेलगाड़ी जो चलती है ना, वो घाटे में चले, कितने भी घाटे में चले, सरकार उसको प्राइवेट नहीं करेगी। ठीक है, वो किस मॉडल पर बेस्ड है? सोशलिस्ट मॉडल पर बेस्ड है। जनता का कल्याण उससे जुड़ा हुआ है, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो हो गया। कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें जो प्रोडक्शन में जो लोग लगे हैं, जैसे लेबर है, लेबर, मजदूर, लेबर, एम्प्लॉयज जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो इकोनॉमी को चलाते हैं, तो उसको कम्युनिज्म कम्युनिज्म कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और उस ग्रुप को गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है। उस ग्रुप को, लेबर ग्रुप को, किस कौन रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है। तो द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल गुड्स, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जो लोग हैं ना, वही इसको ऑपरेट करते हैं। तो लीगली गवर्नमेंट लेबर फोर्स को ओन नहीं करती। ठीक है, और प्लानिंग जो होती है उसमें क्या दिखाया जाता है कि हमें आगे कैसे फोकस करना। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में ये खास बात होती है, जनता जो लगी हुई है प्रोडक्शन में, जो लोग लगे हुए हैं, वही उस इकोनॉमी को चलाती है। हमें कोई बॉस नहीं चाहिए, हमें कोई मालिक नहीं चाहिए, हमारा कोई मालिक नहीं होना चाहिए, हमारा कोई सेठ नहीं होना चाहिए, हम खुद अपनी कंपनी चलाएंगे। हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने देखा होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट इकोनॉमी के आसपास ही ऑपरेट करती है। जो लेबर है वही कंपनी को चला रहा है। ठीक है, वो है, और उन लेबर्स में से ही किसी को हेड बना दिया जाता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंटल इकोनॉमी की। फ्रेंड्स, डेवलपमेंटल इकोनॉमी भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इकोनॉमी की वह ब्रांच है जिसमें हम डेवलपमेंटल प्रोसेस में उन कंट्रीज को देखते हैं जो लो इनकम वाली, कम कमाई वाली है, वो अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगी, इस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, डेवलपमेंटल इकोनॉमी में हो गया। इट्स फोकस इज नॉट ओनली ऑन मेथड ऑफ प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रक्चर चेंज, बट ऑल्सो ऑन इम्प्रूविंग दी पोटेंशियल फॉर दी मास ऑफ दी पॉपुलेशन। मतलब जो जनता है हमारी, उसकी पोटेंशियल, उसकी जो संभावना है, उसको फोकस करना इसका मेन उद्देश्य होता है। वैसे तो ये प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही प्रमोट करेगा, ग्रोथ को भी करेगा, हर चीज करेगा, लेकिन मेन चीज इसकी जो क्या होती है डेवलपमेंट इकोनॉमी में, कि जनता का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो, पॉपुलेशन का पोटेंशियल बाहर आए, पॉपुलेशन से हम ज्यादा ज्यादा, जैसे चाइनीज इकोनॉमी है, चाइना की जनसंख्या भी ज्यादा है, हमारे देश की भी जनसंख्या ज्यादा है। हाँ, अपनी जनसंख्या से परेशान है वो, चाइनीज जनसंख्या अपनी लोगों को क्या बना रहा है, ह्यूमन कैपिटल बना रहा है, वो उनकी इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने में मदद कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एक पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बना दिया, इसलिए वो कंट्री डेवलप है। हमने अपनी पॉपुलेशन को डिजास्टर बना दिया, हमने उसको पूंजी नहीं बनाया, हमने उसको कैपिटल नहीं बनाया, हमने उसको डिजास्टर बनाया। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर सही इस्तेमाल कर रहा है तो वो चाइना कर रहा है।
हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिजास्टर है, हमारी जनसंख्या हमारे लिए सिरदर्द है, आपदा है। ठीक है, तो डेवलपमेंट में अगर आप कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने से हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, ऐसा तो कुछ चाइना के साथ भी होना चाहिए, लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपनी पॉपुलेशन को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से इकोनॉमी में यूज कर रहा है। हमारे यहाँ 90% जो लोग पढ़ लिख करके निकलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से वो जॉब पाने लायक नहीं होते। 90% ग्रेजुएट्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, तो कैसे होगा? तो डेवलपमेंटल इकोनॉमीज में यही तो देखते हैं कि कैसे हम अपनी पॉपुलेशन का इस्तेमाल प्रोडक्टिव वे में करें। ठीक है, फिर हम इसमें क्या देखते हैं, हेल्थ एजुकेशन वर्क प्लेस कंडीशन सुधारना। हेल्थ एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं तो कहूंगा कि किसी भी कंट्री को अपनी दो चीजों को फ्री कर देना चाहिए, एक तो हेल्थ फ्री कर देना चाहिए और एक एजुकेशन। अगर आपके नागरिक एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस में हेल्प करेंगे आपको, इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होंगे। अगर आपकी जनसंख्या बीमार रहेगी, पब्लिक हेल्थ की सिस्टम जो है बर्बाद होगा, तो आप अपनी इकोनॉमी से ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे। और कोरोना क्राइसिस ने सबकी पोल खोल दी कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया इस फील्ड में। ठीक है, तो डेवलपमेंट इकोनॉमी समझ में आ गया आपको? हाँ, अब इसमें आप देखेंगे ये डेवलपमेंटल इकोनॉमीज का जो डिसिप्लिन है वो 1950s में आया, उसके पहले बहुत सारी थ्योरीज दी गई है ना कि कैसे आगे आगे निकालें इकोनॉमी में। मर्केंटलिज्म और इकोनॉमिक नेशनलिज्म जैसी बातें होने लगी, जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की बात इसलिए करते हैं कि हम अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, हम सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म को इसमें डाला गया। ठीक है, ओपन अप मतलब इकोनॉमी को ओपन करने से पहले हमने अपने लोकल प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस किया। तो ये रहा शुरुआती दौर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरीज की, इकोनॉमी को हम कैसे स्टार्टिंग में देखते थे। अब बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ, स्टेट कैपिटलिज्म और बेजिंग कॉन्सेंसस, ये आप श्रीराम आई इसमें देखेंगे। ये दो वर्ड बहुत परेशान कर रहे थे बच्चों को, समझ में नहीं आ रहा था कि सर इसको समझा दो, तो मैं इसको भी आपसे डिस्कस करूंगा। एक फ्रेज आया है बेजिंग कॉन्सेंसस, ये कॉइन किसने किया था, कूपर रेमो ने, जो जोजुआ कूपर रेमो ने कॉइन किया था। ठीक है, क्या समझाने के लिए कॉइन किया था, चाइना की इकोनॉमी डेवलपमेंट, चाइना का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसने क्या तरीके अपनाए, उसको समझाने के लिए कॉइन किया गया था ये वर्ड। ठीक है, क्या चाइना का मॉडल दुनिया के लिए एक डायरेक्शन दे सकता है, क्या चाइना का मॉडल अपना के इंडिया गुरु कर सकता है, क्या चाइना का मॉडल अपना के श्रीलंका गुरु कर सकता है, उस चीज को ये फोकस कर रहे थे। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज को फोकस करते हुए एक टर्म आया, ठीक है, वॉशिंगटन कॉन्सेंसस ऑफ मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज प्रमोटेड बाय IMF वर्ल्ड बैंक एंड US ट्रेजरी। वहाँ ये सारी चीज़ें जो की गई तो उसके प्रमोशन में इस टर्म को दिया गया। स्टेट कैपिटलिज्म क्या होता है, सरकारी पूंजीवाद, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं सरकारी पूंजीवाद या स्टेट कैपिटलिज्म। ठीक है, ओके ओके, चलिए, तो यहाँ से सभी को क्लियर हो गया। तो स्टेट कैपिटलिज्म में क्या है, देखिए आप स्टेट कैपिटलिज्म को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ले लीजिए। ठीक है, 1930 को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसने सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया 1993 के बाद। ठीक है, मार्केट को और कैपिटलिज्म को लेकर के उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई। ठीक है, ओनरशिप और गवर्नमेंट का जो पूरा का प्रोडक्शन का जो काम था वो पूरा पूरा स्टेट कैपिटलिज्म के मॉडल पर काम किया उसने। हमने गुड्स प्रोड्यूस करवाए, जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स बढ़ाने का इन्होंने फोकस किया। तो ये कुल मिलाकर के कहते हैं चाइनीज फर्म परचेस मटेरियल, चाइनीज फर्म्स ने सरकार से मटेरियल परचेस किया, सरकार ने उनको बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराई, वहाँ से उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में मार्केट के माध्यम से ग्रो किया। तो चाइना का मॉडल समझ सकते हो, मर्केंटलिज्म क्या होता है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी, ऐसी वाली इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती है जब किसी इकोनॉमी के अंदर जिसमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होता है, क्या करना होता है, एक्सपोर्ट को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है, एक्सपोर्ट को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है, और इम्पोर्ट को मिनिमम करना होता है,
एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर हम फोकस करते हैं तो वो मर्केंटलिज्म कहलाता है। ठीक है, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करे, इंपोर्ट को डिक्रीज करे, उसे हम मर्केंटलिज्म कहते हैं। इसमें इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, टैरिफ, सब्सिडी, ये सब दी जाती है गुड्स, और एक टारगेट अचीव किया जाता है। जैसे अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज वही करते थे, मर्केंटलिज्म करते थे। मार्केट को घेर लो, जगह को घेर लो, और उस जगह से सब कुछ हासिल करो, प्रॉफिट अर्न करो। हमारे देश में नील की खेती होती थी, इंडिगो फार्मिंग क्या करते थे अंग्रेज, किसानों से कहते थे कि भैया तुम इंडिगो प्रोड्यूस करो। इंडिगो क्यों? क्योंकि वो जो उनका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था ब्रिटेन में, वहां पर बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, तो उनके कपड़ों को रंगने के लिए और उस मार्केट को ग्रो करने के लिए वो फूड ग्रेन नहीं उगवाते थे किसानों से, वो कहते थे आप इंडिगो फार्मिंग, इंडिगो का प्रोडक्शन करो। ठीक है, तो ये कहलाता है मर्केंटलिज्म। मतलब कॉलोनियल पीरियड में, इंपीरियलिज्म में, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में आपने मर्केंटलिज्म अच्छे से देखा, इंडिया में भी देखा, और जहां जहां उन्होंने जिस जिसको गुलाम बनाया वहां देखा। ठीक है, तो उन वो क्या करते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, चाइना एक्सपोर्ट करते थे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एटलीस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई थी, भारत आई थी ट्रेड कर, वो रूल बाद में करने लगी, वो तो ट्रेड करने आई थी। रूल बन गया, इंपीरियलिज्म आ गया, कॉलोनीज बना ली ब्रिटेन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में, और यहाँ से जितना भी मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सकते थे तो वो हमने ले लिया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। मर्केंटलिज्म वाज डोमिनेटेड इन मॉडर्नाइज पार्ट ऑफ यूरोप। कहाँ से आया, यूरोप से आया। सम एरिया आप देखेंगे अफ्रीका का, 16वीं से 19वीं शताब्दी तक, 16 to 19 centuries तक आप ये देखेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आप देखेंगे ये सारी चीजें, लेकिन जब 1950s के बाद ये जो मर्केंटलिज्म है ये बहुत कम हो गया। अब इसका ज्यादा उतना होता नहीं है इस्तेमाल, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि अभी भी ये प्रैक्टिस जारी है, अभी भी लोगों का शोषण होता है प्रॉफिट अर्न करने में, अभी भी इस मॉडल को कई कंट्रीज अपना रही हैं। ठीक है, अब ये मर्केंटलिज्म किस फॉर्मेट में आया है, मर्केंटलिज्म इस फॉर्मेट में आया कि अब इसका नया नाम आ गया है मार्केट में, इकोनॉमिक इंटरवेंशनिज्म। क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक इंटरवेंशनिज्म, ये नया वर्ड आया है इससे एसोसिएटेड, मर्केंटलिज्म से। ठीक है, ये प्रीलिम में आ सकता है कि मर्केंटलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड, मर्केंटलिज्म को ये भी कहा जाता है, ये वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहेवियर इकोनॉमिक्स। देखिए, जब इकोनॉमी में मंदी आती है, डिप्रेशन आता है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, लोगों के बिहेवियर की को चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, अभी कोरोना क्राइसिस में क्या हुआ, सरकार ने कहा कि लोग इन्वेस्ट करें, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, लोग खरीदारी करें, लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके सेंटिमेंट्स खराब हो गए, उनको लगने लगा कि ये कोरोना क्राइसिस जो आई है इसमें पैसे बचा के रखने की ज्यादा जरूरत है, खर्च करने की कम जरूरत है। तो बिहेवियर इकोनॉमिक्स क्या होती है, जब लोगों का बिहेवियर, लोगों की साइकोलॉजी को ध्यान में रख करके जब हम पॉलिसीज बनाते हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ एंश्योर होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, तो उसको हम बिहेवियर इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसमें लोगों की साइकोलॉजी, कॉग्निटिव इमोशंस, कल्चर, सोशल फैक्टर्स, इनको ध्यान में रख करके डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा क्या करते हैं, यही तो करते हैं, बिहेवियर इकोनॉमिक्स पर काम करते हैं। आत्मनिर्भर भारत क्या है, लोगों के बिहेवियर में चेंज लाना, चाइनीज गुड्स को बायकॉट करो, चाइनीज एप्लीकेशन को बंद कर दो, लोगों के अंदर ये भावना डाल दो कि चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिहेवियर चेंज करके डिमांड जो है दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट की कम कर रहे हैं और अपने लोकल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत क्या है, बिहेवियर इकोनॉमिक्स तो है ही, लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने देश में बनी हुई चीजें का इस्तेमाल करो। बात समझ आई? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आज का नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी इसके मास्टर आदमी है ना। तो ये है, तो इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल लेवल पर हम बिहेवियर चेक करके, लोगों की थिंकिंग को जान करके हम इस पर काम करते हैं। क्लियर गाइस? क्लासिकल पीरियड के समय माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है साइकोलॉजी से ज्यादा लिंक थी, लोग क्या सोचते हैं इस पर ज्यादा फोकस किया जाता था कि लोगों की सोच के अनुसार प्रोडक्शन होगा, लोगों की आइडियोलॉजी के हिसाब से प्रोडक्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ, एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी द मॉरल सेंटिमेंट,
क्या लिखी थी उन्होंने, थ्योरी ऑफ द मॉरल सेंटिमेंट, इकोनॉमी की किताब थी वो जो साइकोलॉजी से डील करती थी। ये किस पर फोकस थी, ये फोकस थी बिहेवियर इकोनॉमिक्स पर, ठीक है। उन्होंने इस किताब में क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि बिहेवियर कैसे चेंज होता है लोगों का और उसमें किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे फेयरनेस, कितना आप ईमानदारी से अपना बिजनेस कर रहे हो उससे लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, जस्टिस कितनी मिल रही है, आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो और उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो उसके जो खरीदार है, कंज्यूमर है, वो कितना जस्टिस पाता है उसको लेकर के, ये सारी चीज़ें जो हैं एक बिहेवियर इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन क्रिएट करती है। तो इस तरह से एडम स्मिथ ने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की। फिर आता है ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। ग्रीन इकोनॉमी आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनकर के उभरा, सबसे इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है सभी को। तो ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ग्रीन इकोनॉमी इज वन विच प्रमोट्स डेवलपमेंट वाइल मेकिंग श्योर दैट एनवायरमेंट इज प्रोटेक्टेड। एनवायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए हम डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की सोच रहे हैं, तो वो हमारी ग्रीन इकोनॉमी। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल ऐसा डेवलपमेंट जो आज भी रहे, कल भी रहे और हमेशा रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए किया जाने वाला डेवलपमेंट ग्रीन इकोनॉमी में गिना जाता है। ग्रीन इकोनॉमी कब आया था, 1989 में आया था, ठीक है। किस दौरान आया था, एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम बाय अ ग्रुप ऑफ लीडिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, जो एनवायरमेंट की फील्ड में काम करते थे और जो इकोनॉमी समझते थे कि इकोनॉमी को अगर आपको रन कराना है तो आपको एनवायरमेंट को लेकर के चलना पड़ेगा। तो उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया ग्रीन इकोनॉमी का, ठीक है, वहां से ये शुरू होता है। अब ग्रीन इकोनॉमी में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, पहला तो है गवर्नमेंट। ग्रीन इकोनॉमी में सबसे पहला रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए लॉ बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। हमारे यहाँ एनजीटी काम करता है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये ग्रीन डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए संस्था बनाई गई है, जो भी लीगैलिटी है उनको एड्रेस करता है। स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, एग्रीमेंट साइन होते हैं फॉर डेवलपमेंट विद अदर कंट्रीज, क्योंकि फिर हमारे देश में एनजीओ काम करता है। एनजीओ क्या करते हैं, ग्रीन इकोनॉमी को एंश्योर करने के लिए सोसाइटीज के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भैया साफ चीज़ें करो, है ना, ये करो वो करो। ये एनजीओ के माध्यम से होता है, सोशल सोसाइटी में गवर्नमेंट की नीतियों को इम्प्लीमेंट कराना। तीसरा पार्ट आता है, वो आता है बिजनेस और इंडस्ट्रीज। हमारे देश की जो बिजनेस हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ना। जैसे आप देखेंगे बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार बनाना है, इलेक्ट्रिक वाहन व्हीकल्स बनाना है, ये क्या है, ये बिजनेस और इंडस्ट्रीज की तरफ से ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने का एक तरीका है, ठीक है। इसमें रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस अपनाई जाती है और जिसमें एनवायरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एनवायरमेंट का रोल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। अब बात करते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो उसके फायदे कहाँ कहाँ किस किस को मिलते हैं। फ्रेंड्स देखो, हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स भी पढ़ेंगे और हम इकोनॉमिक ग्रोथ के डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे, एडवांटेज भी पढ़ेंगे और डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी शंकर श्री राम आयस की बुक में ये साफ साफ लिखा है कि आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि इकोनॉमिक ग्रोथ के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। सबसे अच्छा फायदा क्या है इसका, इससे लोगों का जीवन स्तर सुधरता है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छे से रहते हैं लोग, बट में रहते हैं, है ना, कहते हैं अपनी भाषा में बट में रहना, तो वैसे रहते हैं लोग, हायर इनकम होती है उनकी, जिसके कारण वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधार पाते हैं, तो ये होता है। अब मैं एक चीज बता दूं, आप बहुत मजेदार चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कहा था, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये जो कोटेशन है ना, ये इकोनॉमी का दुश्मन है, ये जो वाक्य उन्होंने कहा था ये इकोनॉमी का दुश्मन। अगर लोग सारा जीवन बिताएंगे और हाई थिंकिंग रखेंगे तो इकोनॉमी का कुछ नहीं होने वाला, इकोनॉमी ग्रोथ होने ही वाली। सादा जीवन नहीं, अच्छा जीवन अच्छे विचार। अच्छा जीवन कैसे आएगा, जब आप अच्छे जूते पहनोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, गाड़ी में घूमोगे, है ना, खर्ची करोगे, इससे क्या होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, अल्टीमेटली आपको भी जॉब मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी क्या है, डिमांड से चलती है ना, डिमांड होगी तभी इकोनॉमी चलेगी,
और आप खुद अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से डिमांड क्रिएट कर रहे हो, दूसरे लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करने का मौका दे रहे हो। क्योंकि जब आप डिमांड क्रिएट करते हो, जब आप चीजों को बनाते, जब आप चीजों की मांग करते हो, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा होता है, किसी न किसी लोगों को रोजगार दे रहा होता है। तो हम कैसे मान लें कि सादा जीवन उच्च विचार इकोनॉमी में मदद करेगा? नहीं करेगा ना। तो गांधी जी का ये विचार था, ये इकोनॉमी में काम नहीं करता लिटरली। हाँ, आप सोशल लाइफ में इसको इस्तेमाल करो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये जो कोटेशन है ये इकोनॉमी का दुश्मन है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर आपको फोकस करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? हमारे देश में सड़कें होती हैं, बिजली होती है, पानी होती है, सबको सही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है। टेक्निकल डेवलपमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन के फैक्टर्स पर काम होता है, प्रोडक्शन को और बेटर करने की कोशिश करते हैं, इधर क्लियर। तो ये सारी चीजें की जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार किस पर खर्च करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है ना, ये सारी चीजें। डिसएडवांटेज क्या है? जब भी आप हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हो, तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे आता है? लोगों की इनकम बढ़ने से। लोगों की जब इनकम बढ़ेगी, इनकम इंक्रीज होगी, तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि आज हर किसी के पास पैसा है, और जब हर किसी के पास पैसा होता है तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। जब लिमिटेड रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो चीज़ है, जो रिसोर्स है, वो महंगा हो जाएगा। आज सब्जी जो है, आप गांव में खरीदेंगे सब्जी तो 1 रुपये किलो मिलेगा टमाटर आप, वही टमाटर आप दिल्ली में खरीदोगे तो आपको 60 रुपये किलो का मिलेगा, 70 रुपये का किलो का मिलेगा। क्यों? क्योंकि जहां जहां जिन क्षेत्रों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इनकम बढ़ जाती है, वहां पर महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इन्फ्लेशन लेकर के आता है। डिमांड बढ़ेगी क्योंकि इनकम बढ़ गई लोगों की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई लोगों की, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है। तो उनको फिर ज्यादा कमाना पड़ता है, ऐसी चीजों करने के लिए ज्यादा कमाना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। और इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिसका अपना एक साइड इफेक्ट होता है। सभी को समझ में आ रहा है? हाँ। इसका फिर एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि आप देखेंगे बहुत सारी चीजें कि एनवायरनमेंट, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, हायर प्रोडक्शन, हायर डिमांड, तो कहीं ना कहीं हम कि कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट के साथ कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पॉल्यूशन बढ़ता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, सांस की बीमारियां होती हैं, और जो एयर पोल्यूशन बढ़ता है उससे क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, क्योंकि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज भी बढ़ जाती हैं। हायर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगते हैं, तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट तो मिलते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को खतरा, एनवायरमेंट को मतलब नुकसान पहुंचा करके हम अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसका और कौन सा डिसएडवांटेज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? वेल्थ गैप, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रोथ का लाभ सबको नहीं मिलता। आज हम देखेंगे भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ठीक है, लेकिन आज भी हमारे देश में गरीबी है, आज भी हमारे देश में बेरोजगारी है। तो ऐसा क्यों? जो जो इनकम जनरेट हो रही है इंडिया में, जो भी आय जनरेट हो रही है, जो भी इनकम जनरेट हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। 1% लोगों के पास, 1% लोगों के पास भारत की कुल वेल्थ का 74% है। सोचिए इतना वेल्थ इनइक्वालिटी आपको देखने को मिली। इसके एक साल पहले कितना था भारत की? 1% लोगों के पास भारत की कितनी टोटल वेल्थ थी? 56%। तो इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, और सरकार को कुछ नहीं। कैसे रोकेंगे हम? सोशलिस्ट मॉडल कैसे लाएंगे? सोशल जस्टिस हम जब कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं, प्रीएम्बल में बात करते हैं, हम सोशल जस्टिस लाएंगे, तो उसमें इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात की गई। प्रोडक्शन का जो प्रॉफिट है, जो भी आपके देश में प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रॉफिट सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तभी तो सोशल ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसका बेनिफिट सबको नहीं मिल रहा है। रिच आर गेटिंग मोर रिच,
पुअर आर गेटिंग मोर पुअर, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है इकोनॉमिक ग्रोथ का। और सबसे अच्छा उदाहरण है इंडिया। इंडिया दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में अंडर एम्प्लॉयड। क्या है अंडर एम्प्लॉयड? नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन उनको सही दाम नहीं मिल रहा, सही सैलरी नहीं मिल रही, उनकी स्किल का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, इससे वेल्थ गैप क्रिएट हो रहा है। ये वेल्थ गैप आप देख पा रहे हो, 1% लोगों के पास 74% वेल्थ है टोटल इंडिया की। तो कहाँ जा रहे हैं आप, सोच सकते हो? और ये चीज आगे बढ़ेगी घटेगी नहीं, दिस विल इंक्रीज इन फ्यूचर। जीडीपी वर्सेस जीएनपी। जीडीपी क्या होता है? किसी देश के अंदर, किसी कंट्री के अंदर, उसकी टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू जीडीपी कहलाती है, ठीक है। जीएनपी क्या है? ये थोड़ा सा डिफरेंट मैट्रिक्स होता है जीएनपी का। इसमें हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन हटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज याद रखना, जीएनपी में क्या होता है, देश के नागरिकों द्वारा, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, दुनिया में कहीं पे भी। इसको समझने का सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं मैं आपको, ये कंट्री है आपकी, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है कंट्री, दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया, ठीक है, दिस इज इंडिया। अगर इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो अमेरिकन आके इंडिया में प्रोडक्शन करे, उसको किस किस में काउंट किया जाएगा? जीडीपी में, विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज, अगर आपको जीएनपी समझना है तो पूरी दुनिया को ले लो, ये पूरी दुनिया का मैप है, ग्लोब। इस पूरी दुनिया में इंडियंस द्वारा, इंडियंस द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएगी उसकी टोटल वैल्यू किस में काउंट होगी? जीएनपी, इसमें इंडियंस आ जाएंगे, ठीक है। नेशनल, इसमें नेशनल शब्द इस क्या रिप्रेजेंट करता है? नेशनल सिटीजन्स, ठीक है। डोमेस्टिक क्या रिप्रेजेंट करता है? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्लियर गाइस? तो ये मेरा चैनल है फिनिक्स आईएएस फंडा, इसको आप इस चैनल से आप जुड़ जाइएगा, इसका लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। इस पर मेरी क्लासेस रहेंगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो जीडीपी मैंने समझा दिया कैसे, जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स यूज होते हैं। प्राइवेट कंजप्शन कितना है, ठीक है, 60% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है प्राइवेट कंजप्शन, देश की कुल खपत, देश की कुल खपत, टोटल कंजप्शन, सरकारी स्पेंडिंग, ठीक है, कैपिटल स्पेंडिंग, ये सारी चीजें आती हैं जीडीपी कैलकुलेशन के अंदर। टोटल कंजप्शन कितना है वो देखेंगे, जीडीपी कैलकुलेशन, टोटल कंजप्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 60% रोल प्ले करता है ये, यानी कि लोगों की खपत जो है, लोगों का जो डिमांड है, लोगों की चीजों को लेकर डिमांड, वो रिप्रेजेंट करती है जीडीपी क्या होगी, ठीक है। फिर सरकार ने कितना खर्च किया, जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर सरकार खर्च करने वाली है, ठीक है, तो वो जो खर्चा है ना वो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा, जीडीपी की कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। ऑल कंजप्शन इन्वेस्टमेंट पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट, वो भी जीडीपी में गिना जाता है, क्लियर गाइस? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, कितना हमने बाहर भेजा अपना माल, बना करके कितना भेजा, वो भी कैलकुलेट होता है। हमारा एक्सपोर्ट अगर इम्पोर्ट से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी को सपोर्ट करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। जीडीपी कैन बी ब्रोकन इन टू टू कैटेगरी। जीडीपी दो तरह से देखी जाती है, रियल जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी इज इकोनॉमिक आउटपुट आफ्टर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हटा करके जो हमारे पास बचता है वो रियल जीडीपी आ जाता है। नॉमिनल मतलब जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी इज द आउटपुट दैट डज नॉट टेक इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट। इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखा जाता इसमें, और जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। हमेशा नॉमिनल जीडीपी आपको
रियल जीडीपी से ज़्यादा ही मिलेगी। एग्जाम में आता है कि विच इज़ द हाईएस्ट, तो नॉमिनल जीडीपी हमेशा रियल जीडीपी से ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड किया जाता है पॉजिटिव मैनर में। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी का इस्तेमाल किस में होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स में इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया, ठीक है, दो या दो से एक्स्ट्रा ईयर्स में उसने कैसे काम किया, उसको रियल जीडीपी में भी कंपेयर करेंगे। जीडीपी कैन बी यूज टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू और मोर इकोनॉमीज, जैसे चाइना को आप कंपेयर करना चाहते हो इंडिया के साथ तो आप कर सकते हो, ठीक है, जीडीपी के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ जीडीपी। इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, कैसे डिसीजन लेना है, सरकार की पॉलिसी कैसी होगी, इन सब बातों को आइडेंटिफाई करने में ये हमारी मदद करता है। अब बात करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक प्रोडक्शन के दौरान हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे चीज़ों की क्वालिटी इंप्रूव होती है, ठीक है, तो कितना हमने गुड्स एंड सर्विसेज में वैल्यू एडिशन किया उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। हाँ, तो ये आप समझो, तो कितना रॉ मटेरियल आपने इस्तेमाल किया और उस रॉ मटेरियल को कितना आपने उसमें वैल्यू एडिशन की, उसकी उसका रेट क्या था, है ना, प्रोडक्शन के दौरान कैसे हमने वैल्यू एडिशन किया, उस सारी चीजें इसके अंतर्गत आ गई। अब बात करते हैं पोटेंशियल जीडीपी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस साल मेंस में भी आया था ये क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, मेंस में आ चुका है ये इस साल पोटेंशियल जीडीपी, मतलब हमारी क्षमता कितनी और हम कर क्या है। कहते ना कि बेटा तुम अगर पढ़ाई करो तो तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, तो ये क्या है, आपका पोटेंशियल है लेकिन आपका रियलिटी आप कुछ हो, आपकी रियलिटी कुछ और है, ठीक है। तो पोटेंशियल जीडीपी भी है, तो किसी इकोनॉमी में उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी क्षमता क्या है और वो कैसी परफॉर्म कर रही है। तो पोटेंशियल जीडीपी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट रादर देन कैप्चरिंग द करंट ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ नेशनल इकोनॉमी एक्टिविटीज, पोटेंशियल जीडीपी अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट। हम हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट कैसे अचीव करें, हम 100 में से 100 नंबर कैसे लाएं, इस पर फोकस किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारी इकोनॉमी में कितनी क्षमता है उसको आइडेंटिफाई करना ही पोटेंशियल जीडीपी का काम है, क्लियर गाइस। चलिए, ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमी में सबको नौकरियां मिलेगी, सभी के पास फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, डिमांड है कभी सप्लाई से ज्यादा नहीं जाएगी, ये इसकी लिमिट है, इसकी कंडीशन है कि मतलब पोटेंशियल जीडीपी कैसे क्रिएट होती है, सबके पास नौकरियां हैं पहली चीज, और डिमांड कभी भी सप्लाई से ज्यादा नहीं होगी, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये पोटेंशियल जीडीपी को क्रिएट करता है। इससे आप पोटेंशियल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो, किसी इकोनॉमी में पोटेंशियल जीडीपी ऐसे बनेगी, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये पोटेंशियल आपका जो पोटेंशियल बना रहे लॉन्ग टर्म में, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कितना लेबर फोर्स है आपके पास, क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म में नहीं बनी जा सकती, लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी कम होती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है इकोनॉमी के अंदर जिससे हम सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि लेबर फोर्स भी चेंज हो रहा होता है, टेक्नोलॉजी भी नहीं आ रही होती है, नेचुरल रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, तो इसको अचीव कर पाना मुश्किल होता है, फिर भी हम इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हमारी नेचुरल लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल लिमिट्स को, ठीक है। तो जीडीपी अगर नेचुरल लिमिट्स से नीचे चली जाए, जिसका मतलब है हमारी इकोनॉमी पोटेंशियल जीडी पोटेंशियल इकोनॉमी पोटेंशियल जीडीपी से नीचे जा रही है, और जब भी जीडीपी अपनी नेचुरल लिमिट्स को क्रॉस करती है, हाँ गुड इवनिंग, जब भी जीडीपी अपनी नेचुरल लिमिट को क्रॉस करती है तो ये जो है अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रही होती है, अपनी संभावनाओं को, अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज कर रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, पोटेंशियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है लोगों की आय, राष्ट्र की आय, देश की आय और लोगों की आय, इसको डिवाइड कर दो आप पॉपुलेशन से, बस इजी कॉन्सेप्ट है, टोटल इनकम टोटल पॉपुलेशन इसको डिवाइड कर दो कि आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो फ्रेंड्स, और ये मैं बता दूं अनअकैडमी का आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना गोल सेलेक्ट करना है, यूपीएससी, यूपीएससी गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है प्लस पर, प्लस पर जब जाओगे तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, आप इसको जरूर करें, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन लें,
ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा आपको, तो उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का प्लान मिलेगा, उसको भी आपको क्या करना है, उसको भी आपको, हाँ, उसमें से आप अपनी जैसी भी तैयारी करना चाहिए। देखो, दिल्ली में रह करके तैयारी करोगे फ्रेंड्स, तो आपको 5 से 6 लाख रुपए साल का खर्च हो जाएगा। ठीक है, अनअकैडमी देता है आपसे आपको केवल 40,000 रुपये में 1 साल की तैयारी करने का मौका। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इसमें आपको आंसर राइटिंग कर सकते हैं आप, है ना, आंसर राइटिंग कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाता है, उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हो। मेरा कोड याद रखना फ्रेंड्स, मेरा कोड है SHAI, और मेरी जितनी भी इकोनॉमी की क्लास है, श्रीराम आयस की बुक समरी हो या कुछ भी, मैं प्लस पर आपको पढ़ाऊंगा। प्लस पर आप आ सकते हैं, मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा कोड है, मेरी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड यूज करना, SHAI, तो आपको काफी फायदा होगा। पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, जो भी आपको बेटर लगे वो